अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब एज। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में आपको अनाउंस होने वाली पाक नेवी की जॉब्स के बारे में बताऊंगी। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल फैसला इसमें आपसे शेयर करूंगी। इस वीडियो में आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप इसमें स्किप ना हो जाए। दी तो दोस्तों पाक नेवी में जो है न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं ऑलरेडी। जो है इसमें रिसेंटली इसमें जॉब्स अनाउंस हुई थी, जो है इसमें जस्ट जो है उसमें मेल्स अप्लाई कर सकते थे, उसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती थी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि इसमें जो है मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि हमारी डेली की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। डायरेक्टली चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब एश पर। आपने आ जाना गूगल पर, आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जॉब एश 24। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो पहला लिंक है यहाँ पर क्लिक करके आपने हमारी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पर आपको पाक नेवी की पोस्ट नजर आएगी। आपने उस पोस्ट को ओपन करके रीड कर लेना है ताकि जो है आपको मुकम्मल डिटेल मिल सके और वहाँ पर आपको इसका ऐड मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने इसका ऐड ओपन कर लिया ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर सकूँ। पाक जो है नेवी में जॉब्स अनाउंस हुई हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के थ्रू, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, ब्रांचेज़ हैं जिसमें आप लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको बताती चलूँ, सबसे पहले जो मैं आपको ऑपरेशन ब्रांच के बारे में बता रही हूँ, मराइन SSG की ब्रांच है। इसमें आपका जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें आप लोग मेल्स अप्लाई करेंगे सिर्फ, और इसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी जो है 26 तक होनी चाहिए, यहाँ पर आपको बताते चलें। और ये जो आपकी हाइट है आपकी 5.4 होनी चाहिए, और इसमें जो है आपको बताते चलें आपकी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम आप वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है आपको बताते चलें आपका 60% मार्क्स आपके होने चाहिए इसमें। और यहाँ पर आपका FSC ए लेवल आपका जो है आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स में आपके पास मस्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि मराइन इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें जो है आपकी मेल्स अप्लाई करेंगे जस्ट जो है इसमें, और इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप टू 27 जो है एज लिमिट है, हाइट आपकी 5.4 है, और इसमें आपके पास BE होना चाहिए मैकेनिकल, और मिनिमम आपका जो है 2.5 आपका CGPA होना चाहिए 4 में से। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट ब्रांच आपको V1 इंजीनियरिंग ब्रांच है, इसमें जो है आपके मेल्स अप्लाई करेंगे, एज आपके अप टू 27 ईयर्स होनी चाहिए यहाँ पर जो है। और यहाँ पर आपको बताते चले हाइट आपकी 5.4 होनी चाहिए, BE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिमम 2.5 आपका CGPA होना चाहिए 4 में से। यहाँ पर जो है नेक्स्ट ब्रांच के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टर ब्रांच है, इसमें जस्ट मेल्स अप्लाई करेंगे, एज आपकी अप टू 25 ईयर होनी चाहिए, हाइट आपकी 5.4 होनी चाहिए, BE आपके पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी। यहाँ पर स्पेशल ब्रांच है, इसमें जो आपकी मेल्स अप्लाई करेंगे जस्ट जो है एज आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए अप टू, और इसमें जो है हाइट आपकी 5.4 है, और इसमें आपको बताते चले आपकी क्वालिफिकेशन जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास जो है 3.0 आपका जो है CGPA होना चाहिए 4 में से। और यहाँ पर जो है स्पेशल ब्रांच है साइकोलॉजिस्ट की, इसमें जो है मेल्स और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो है एज की बात की जाए तो यहाँ पर 28 ईयर्स है, और यहाँ पर हाइट जो है 5.4 मेल की है, और इसके अलावा जो है 5 फीमेल की है मिनिमम, और इसमें आपके पास MA MSc BS आपके पास 4 ईयर्स प्रोग्राम साइकोलॉजी में होना चाहिए, और एटलीस्ट आपका 2.5 GPA होना चाहिए 4 में से, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल ब्रांच मराइन इंजीनियर की है, इसमें जो है मेल्स अप्लाई करेंगे अप टू 30 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 5.4 आपकी जो है इसमें हाइट होनी चाहिए, BE मैकेनिकल विद मिनिमम आपका 3.5 CGPA होना चाहिए। और यहाँ पर स्पेशल ब्रांच वीपन इंजीनियरिंग है, इसमें जो है मेल्स अप्लाई करेंगे, एज आपकी अप टू 30 होनी चाहिए, 5.4 इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए, BE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सप्लाई ब्रांच है, इसमें जो आपको बताते चले मेल अप्लाई करेंगे अप टू 27 ईयर, और उसमें 5.4 आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, MBA या BBA आपके पास होना चाहिए, MCOM या MSc इकोनॉमिक्स में, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताते चलें इसमें जो है यहाँ पर और भी ब्रांचेस हैं जिसके बारे में, तो यहाँ पर लॉ ब्रांच है, इसमें जो है आपको मेल्स अप्लाई करेंगे, एज आपकी जो है 48 होनी चाहिए, 5.4 आपकी हाइट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी LLM होनी चाहिए। और IT ब्रांच है, इसमें जो है जस्ट मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, एज आपकी 27 होनी चाहिए, हाइट आपकी 5.4 होनी चाहिए, आपके पास जो है BCS BSc और इसके अलावा जो है BSIT MCS MIT आपके पास होने चाहिए, 14 ईयर्स का एजुकेशन आपके पास, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए वैलिड है। मेडिकल ब्रांच स्पेशलिस्ट है, इसमें आपको बताते चलें इसमें जस्ट जो है आपके मेल्स और फीमेल अप्लाई करेंगे, और इसमें जो पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकें, एज आपकी जो है यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें जो है
मेंशन है, गेस आपको बताया गया है का हाइट आपकी 5.4 होनी चाहिए, मेल्स की और फीमेल्स की जो 5 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी इसमें जो है, आपकी क्वालिफिकेशन वही वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास MBBS डिग्री होगी। यहाँ पर रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपने इसको रीड कर लेना है। यहाँ पर आपको बताते चलें एजुकेशनल ब्रांच है, इसमें आपके पास जो है मेज़ अप्लाई करेंगे। एज आपकी जो 28 ईयर्स होने चाहिए, हाइट 5.4 होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी 2.5 होनी चाहिए। मेडिकल ब्रांच है, इसमें पूरे जस्ट मेज़ अप्लाई करेंगे। 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, 5.4 आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फॉर मेल्स फीमेल्स के लिए। और इसमें जो है आपको बताते चलें कि इसमें यहाँ पर आपको लास्ट में जो आपको मैं ब्रांचेज बताने जा रही हूँ, स्पेशल ब्रांच है फार्मिक्स कि इसमें जो है जस्ट मेल और फीमेल आपको बताएं कि दोनों अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है हाइट और क्वालिफिकेशन आपको बताते चलें कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन आपके पास फॉर्म डी आपके पास होने चाहिए सेकेंड डिवीजन के साथ। एज आपकी 28 होनी चाहिए, 5.4 मेल्स की हाइट है, 5 जो है फीमेल्स की है। यहाँ पर ऑर्डिनेंस ब्रांच है, मेल्स इसमें जस्ट अप्लाई करेंगे। एज आपकी 28 होनी चाहिए, 5.4 आपकी हाइट होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी BE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर आपका इस रिलेटिव फील्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ है, इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकते, जो दो दफ़ा IAS स्पेशलिस्ट रिजेक्ट हो चुके हैं, जो मेडिकली अनफिट होंगे। यहाँ पर कुछ और कंडीशंस है, अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है इसकी बाकी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। इसमें जो है यहाँ पर अदर बेनिफिट्स आपने यहाँ पर रीड कर लेना है। और यहाँ पर इसमें जो है आपके टेस्ट होंगे, कैसे टेस्ट होंगे उसके बारे में आपको बताते चलें। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, आपका जो है इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, एकेडमिक टेस्ट होगा, फिर आपका जो है यहाँ पर रनिंग आपने करना होगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में पुशअप्स, 10 पुशअप्स 2 मिनट्स में, सिटअप्स 10 सिटअप्स जो आप करने होंगे 2 मिनट्स में, चिनअप्स 2 करने होंगे 2 मिनट्स में। और यहाँ पर जो है इसमें आपको इसमें मेल्स और फीमेल का यहाँ पर आपको बताया गया है। और यहाँ पर आपको बताते चलें इसमें जो है अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आपको बताते चलें, वो 20 दिसंबर। आपने 20 दिसंबर से पहले पहले तक इसमें आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinparknavy.gov.pk से आप लोग इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर आपके जो है मशहूर सेंटर्स पाकिस्तान के दिए गए हैं, कोयटा और इसके अलावा जो है कराची। यहाँ पर जो आपने जिस भी सेंटर में आपने अप्लाई करना है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपने यहाँ पर टेस्ट देने चले जाना है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे जी। तो दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाई करने में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स।